लोग जेडे प्रभु यीशु मसीह नूं जानदे आ उह वी एतवार नूं हर रोज़ तो सवेरे सवेरे उठ के 6 बजे उठ के ब्रश करके खाना खुना खा के काम ते चल जाते है पर जो आ वा एतवार उन्होंने पता हों वा चर्च जाना वा पर फिर भी जान बुझ के 9 बजे तक 10 बजे तक बिस्तर में सुते रहेंगे आ और चर्च का टाइम हो जाता वा गा। वो भैन और भाओ अज परमेश्वर इस वचन के नाल साढ़े नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर आंदा वा कि 7वां दिन मेरा वा पर लोग आते हैं कि 7वां दिन जड़ा वा साढ़े सौन का और साढ़े ऐश करन दा दिन आ। वो भैन और भाओ 7वां दिन जड़ा वा परमेश्वर की महिमा करन दा दिन आ पर अं कहने कि 7वां दिन जड़ा वा साढ़े ऐश करन दा टाइम आ। वो भैन और भाओ कई लोग कमाउन के चक्कर के भी एतवार भुल गए है। लोग काम से चल जाते हैं, लोग अपने बिजनेस नू शुरू कर देंगे, लोग कमाउन वास्ते किते किते चल जाते हैं पर परमेश्वर वास्ते 2 घंटे तक टाइम नहीं उन्हां को होंदा। एतवार का जिहड़ा टाइम हैगा कई चर्चा में 2 घंटे होंदा, कई चर्चा में 3 घंटे होंदा। वो 3 घंटे भी अही परमेश्वर नू नहीं दे सकते। लोग आते है एक गाना निकल जाता फिर आते कभी कभी 2 गाने 3 गाने आराधना भी खत्म हो जाती है उदों तक भी चर्च में नहीं पहुँचते। कभी कभी तो लोग अद्धा वचन जो खत्म होने वाला होंगे वा आखिरी प्रार्थना होंगी आ उदों लोग चर्च में पहुँचते है। वो भैनों को अज परमेश्वर आखन दिया वा कि तुम कदों पहुँचते जे तुम पहले गाने पर पहुँचते जे, दूसरे गाने पर पहुँचते जे, तीसरे गाने के पहुँचते जे चर्च में, या आराधना के टाइम पहुँचते जे चर्च में, या वचन जो शुरू होंगे उदों पहुँचते जे चर्च में, जो वचन जो खत्म हो जाता वा उदों पहुँचते जे चर्च में। दावीद आंदा वो अपने भजन में मैं उदो खुश होया जो लोगों ने मैनू कहा कि परमेश्वर के घर चलीए। दावीद तो परमेश्वर के घर का नाँ सुन के खुश हो गया पर अही अज सारू एक परमेश्वर एक सवाल पूछन दिया वा जो ताड़ा टाइम आता वा परमेश्वर के घर में जाता उदो तो ही खुश होंगे जे या दुखी होंगे जे। वो भैन और भाओ अज परमेश्वर इस वचन के नाल साढ़े नाल गल करन दिया वा। जो दावीद ने वचन लिखा हैगा उदो परमेश्वर का घर नहीं बनया पर उन्हें आने वाले दिनों वास्ते भविष्यवाणी की हैगी कि मैं उदो खुश होया जो परमेश्वर के घर में पहुँचा वा। हो भैनो भ्रो सारी खुशी सारी आशीष परमेश्वर के घर में टाइम के नाल पहुँचन के नाल हैगी। अज अही सब तो लेट हैंगे मसीह नूं जानने हैं, मसीह के वचन नूं जानने हैंगे, मसीह की सेवा करने हैंगे, वचन भी सुनाने हैं, बपतिस्मा भी लै लिया वा पर फिर भी अज ऐतवार नूं अही लेट हैंगे। ओ भैन और भ्रो परमेश्वर ने कहा वा 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन जिहड़ा वा मेरा वा। उस 7वें दिन नूं भी अही 7वें दिन नूं भी अही चोरी कर लैंदे आ, परमेश्वर नूं नहीं दिंदे, टाइम दे नाल नहीं पहुँचते। वो भैन और भाओ जे कि यार दोस्त दे नाल मिल के गल करनी होए तो 5-5 घंटे तक उहदे नाल टाइम बिता दिंदे आ पर चर्च विच 2 घंटे बह के वचन सुनन वास्ते वा परमेश्वर की महिमा करन वास्ते अड को टाइम नहीं हुंदा। कई लोगों जो चर्च में आते है चर्च में उन्होंने बोर मारता वा, बोर लगता वा गा और लोगों को नींद आ जाती हैगी। वो भैन और भाओ उतरा भाए उतरा ही गल करते रहन। ओ अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। दावीद तो उदो खुश होया ही जो परमेश्वर के घर में लोगों ने उन्होंने आख्या ही चलो चलिए। अज जो ऐतवार आता वा ताडे माता पिता या तो ही अपने बच्चों जो कहें जे कि चलो कल चर्चिया 10 बजे आना वा तो उदो तो ही खुश होंगे जे, या तुहानू सारे काम याद आ जाते हैं कि यार अज ऐतवार आ अज काम करना। तुही ऐतवार दे दिन परमेश्वर दे घर विच आउंदे जे पहलों कि पहलों अपना घर का काम करदे जे। ओ भैणो भ्रो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। उदों मैं खुश होया जदों लोगों ने मैनू आख्या चलो परमेश्वर दे घर चलीए। अज परमेश्वर नूं सारयां नूं एक सवाल पूछन दिया वा तुही भी ऐतवार नूं जदों चर्च विच आउंदे जे तुही खुशी दे नाल आउंदे जे या दुख दे नाल आउंदे जे, यार 2 घंटे कितना बहिए। अज परमेश्वर इस वचन के नाल गल करन दिया वा। गॉड ब्लेस यू।